अमेरिका और भारत द्वारा पाकिस्तान को सीमा पार आतंक रोकने की नसीहत के एक दिन बाद इस्लामाबाद की सदाबहार दोस्त चीन ने पाकिस्तान का पुरजोर बचाव किया है। पाकिस्तान के समर्थन में उतरते हुए बीजिंग ने तो इस्लामाबाद को वैश्विक आतंक के खिलाफ लड़ने वाला अगुआ तक बता दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कंग ने बुधवार को पत्रकारों को बताया, चीन का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रयासों को पूरा श्रेय देना चाहिए। गौरतलब है कि चीन का यह बयान भारत अमेरिका द्वारा सोमवार को जारी किए गए संयुक्त बयान के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद यह बयान जारी किया गया था। बयान में पाकिस्तान को सीमा पार आतंक रोकने की नसीहत दी गई थी। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वह अपनी जमीन से सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोके। कौन ने कहा, हमें मानना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिका में जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान से मुंबई हमले और पठानकोट हमले के साजिशकर्ताओं को सजा देने की बात कही गई थी, साथ ही सीमा पार आतंकवाद रोकने की भी ताकीद की गई थी।